सो हे बडीज, इट्स मे पोके यूनिवर्सिटी सेड। आप लोगों का स्वागत है एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। तो आज अपन लोग प्ले करने वाले पोकेमोन फ्यूजन 3 400 आवर्स। बेसिकली ये जो गेम है पोकेमोन एमरेल्ड का रीमेक वर्जन है, जिसमें की 164 से भी ज्यादा पोकेमोन के फ्यूजन है। तो मैंने 900 आवर्स में कुछ एम सेट कर रखे है, जैसे की हमें सारे 8 बैजेस स्पॉन करने हैं, टीम एक्वा टीम मैग्मा की विल प्लान को भी स्टॉप करना है, और उसके बाद कोइन रीजन का ऑफिशियल चैंपियन बनना है, फिर कोइन रीजन के सीक्रेट चैंपियन को भी डिफीट करना है, और साथ ही साथ हमें एक लेजेंडरी पोकेमोन को भी कैच करना है। अगर आपको ऐसे ही चैलेंजिंग वीडियो पसंद है, इससे पहले भी हमने एक चैलेंज कर रखा है पोकेमोन इन्फर्नाइट फ्यूजन 24 आवर्स कैस्कल फ्यूजन। अगर आपको वीडियो देखना है तो चैनल पे जाके वॉच कर लीजिए। विदाउट एनी फर्दर लेट्स स्टार्ट। हमारी जर्नी स्टार्ट होते ही हमें प्रोफेसर बर्च मिलते हैं, जो कि हमें पोकेमोन वर्ल्ड की इन्फॉर्मेशन बताता है, और साथ ही साथ वो हमें पूछते हैं हम लोग बॉय या गर्ल। तुम्हें ऑब्वियस सी बात है, मैं बॉय हूँ तो मैं अपना नाम तन्मय रख लेता हूँ। और यहाँ से हमारी एडवेंचर की शुरुआत हो जाती है। हम लोग अभी अभी जस्ट होएन में शिफ्ट हुए हमारे न्यू हाउस में। फिर हम घर के अंदर चले जाते हैं, और सबसे पहले मैं ऊपर के फ्लोर में जाके बंद पड़ी हुई वॉच को स्टार्ट करके आता हूँ। फिर हमारी मॉम ऊपर के फ्लोर पे आती है, फिर हम लोग इस टीवी पे कुछ तो ऐसी न्यूज़ वॉच करते, फिर हम लोग बाहर आ जाते हैं। बाद में मैं जाता हूँ मे के हाउस में, इसकी उसकी मॉम बोलती है कि वो ऊपर के फ्लोर पे है। जैसे मैं ऊपर आता हूँ तो मैं पीछे से आ जाती है, फिर यहाँ से मैं निकल जाता हूँ प्रोफेसर जी को ढूंढने के लिए। तो ये लड़की बताती है आगे कोई तो बंदा है जिसे कि पोकेमोन परेशान कर रहे। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, मैं अपना स्टार्टअप पोकेमोन प्रोकैप को चूज कर लेता हूँ। ये सामने वाला पोकेमोन काफी ज्यादा वीक होता है, तो हम इजिली जीत जाते हैं, और यहाँ पे हमें हमारा प्रोकैप फाइनली मिल जाता है। तो निकनेम में कुछ नहीं करता इसे। फिर हम लोग जाते हैं मे को ढूंढने के लिए, और वो हमें बैटल के लिए चैलेंज करती है। तो उसने चूज किया था ट्रिक लेट, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन हमारा फ्रोकैप उसे फेंड करता है, उसके बाद उसका सेकंड पोकेमोन को भी। फिर हम लोग आ जाते हैं प्रोफेसर के लैब में, जहाँ पे कि हमें हमारा डेक्स मिलता है, और उसके बाद हमें मे पोकेबॉल्स भी दे देती है। और यहाँ से हम लोग निकल पड़ते हैं हमारी जर्नी की ओर, तो हमारी मॉम हमें पीछे से आवाज दे देती है। उसके बाद हमें यहाँ पे मिल जाते हैं रनिंग शूज, और हम लोग निकल पड़ते हैं नेक्स्ट सिटी के लिए। फिर हम लोग पहुंचते हैं पेटलबर्ग सिटी में, जहाँ के मैं जाता हूँ नॉर्मन से बात करने के लिए। नॉर्मन से मैं बात कर रहा होता हूँ, लेकिन ये वॉली नाम का बंदा यहाँ पे आ जाता है, जो कि नॉर्मन से एक पोकेमोन ले लेता है और चला जाता है एक पोकेमोन को कैच करने के लिए। तो उसको पोकेमोन मिलता है जो कि होता है गैपटेक, जिसे कि वो कैच कर लेता है। और उसके बाद हम लोग वापस नॉर्मन के पास आते हैं, और मैं यहाँ से उनसे बात करके निकल जाता हूँ रास्पारो सिटी के लिए। और जैसे मैं यहाँ से जा रहा था तो पीछे से एक ग्लासेस वाला बंदा मुझे आके बात करता है, और यहाँ से निकल जाता। फिर हम लोग आ जाते हैं इस फॉरेस्ट में, जहाँ पे मुझे ये बंदा मिलता है, जो कि हमसे हेल्प मांगता है, क्योंकि इसके ऊपर टीम एक्वा के एक बंदे ने अटैक किया होता है। तो वो सबसे पहले यूज करता है उसका एपुज डॉर, जिसे कि हम इजिली फ्रोकैप से फैंड कर देते हैं। और उसके बाद हम लोग चल पड़ते हैं रास्पारो सिटी की ओर। फिर हम लोग आ जाते हैं रास्पारो सिटी के जिम में, और चैलेंज करते हैं रॉक्सेन को, जो सबसे पहले यूज करते हैं उसका टायरन, जिसे कि फ्रोकैप इजिली फैंड कर देता है। बाद में उसके दो पोकेमोन्स को इजीली फेंड करने के बाद हमारा फ्रोकैप इवॉल्व हो जाता है फ्रोक स्टॉप में, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ओसम सा पोकेमोन है। और ये इवॉल्व होता है मड शॉट सीख जाता है, और यहाँ पे हमें मिल जाता है हमारा स्टोन बैच, और साथ ही साथ TM39B। उसके बाद जैसे ही हम लोग जिम से बाहर आते हैं, तो फिर से मुझे वो बंदा दिखता है, और टीम एक्वा का मेम्बर भी। तो जैसे मैं इससे बात करता हूँ, तो बोलता है कि वो टीम एक्वा का मेंबर डिवॉन कूट्स को लेके गया है, तो मैं उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता हूँ। उसके बाद मैं इस केव के यहाँ पहुंचता हूँ, इस ओल्ड मैन से बात करता हूँ, तो ये बताता है इसके पिको को टीम एक्वा के बंदे ने किडनैप कर रखा है। तो इसकी मदद करने के लिए मैं इस टीम एक्वा के बंदे से फाइट करता हूँ, और यहाँ से भाग जाता है, और डिवॉन कूट्स भी मिल जाता है। तो यहाँ से वो ओल्ड मैन आके थैंक यू करके निकल जाता है। फिर जाते जाते मुझे एक वडोफ द लॉर्ड पोकेमोन मिलता है, जिसे कि मैं कैच कर लेता हूँ। और उसके बाद इसका कोई निकनेम नहीं रखते हो, मुझे यहाँ पे पोकी बॉल मिल जाता है, और निकल पड़ता हूँ मैं सिटी की ओर। फिर से वो ग्रीन सूट वाला बंदा मुझे मिलता है, और इस बार मुझे क्रेड बॉल फिर से दे देता है। बाद में हम लोग आ जाते हैं इस मोटे हॉल में, और जहाँ पे कि हम लोग प्रेसिडेंट से बात करते हैं। तो मेयर से बताता है कि उन्होंने कुछ लेटर दिया है, जो कि हमें स्टेवन नाम के बंदे को देना है। उसके बाद मैं यहाँ से हेलो टाटा बाय बाय करके निकल जाता हूँ, लेकिन डोर से बाहर निकलते मुझे एक प्रोफेसर मिलता है, जो कि मुझे पोकी नैप दे देता है। और मैं यहाँ से प्रेसिडेंस को कॉल लगाता हूँ मिस्टर स्टोन से बात करने के बाद, मैं यहाँ से निकल जाता हूँ कि नीचे मुझे मैं मिल जाती है। तो मैं मुझे फिर से पोकेमोन बैटल के लिए चैलेंज करती है, और इस बार उसके पास टाइफ्रेट नाम का एक पोकेमोन भी था, इजीली फेंड हो जाता है। बाद में इसके ट्रिलेट भी इजीली फेंड हो जाता है। ये वाली बैटल भी हम लोग जीत जाते हैं, और निकल जाते हैं नेक्स्ट सिटी की ओर। फिर हम लोग आ जाते हैं इस ओल्ड मैन के घर पे,
और यहाँ से उनसे बात करते कि क्या वो हमें लिफ्ट देंगे ड्यूफोर्ट टाउन तक। तो उनके शिप से हम लोग आ जाते हैं और बीच में हमें कॉल आ जाता है नॉर्मन का। इनसे बात करने के बाद हम लोग आ जाते हैं ड्यूफोर्ट टाउन में। मैं आ जाता हूँ इस केव में और ये बंदा मुझे दे देता है HM05 जो कि होता है फ्लैश। हम लोग आ जाते हैं ग्रेनेड केव में और हमें यहाँ पे मिलता है स्टेवन जिसे कि हम लोग दे देते हैं लेटर। और उसके बाद हमें मिलता है TM047 और उसके बाद हम लोग स्टेवन से बात करते हैं, उससे उसका पुकी नैब भी मिल जाता है और स्टेवन यहाँ से चला जाता है। फिर मैं भी यहाँ से जा रहा होता हूँ लेकिन मुझे गैस्ट कोली नाम का एक कूल सा पोकेमोन दिखता है जिसे कि मैं कैच कर लेता हूँ। फिर हम लोग आ जाते हैं चैलेंज करने ब्रोली को जो कि होता है डिफॉल्ट सिटी के जिम लीडर। इसका फर्स्ट पोकेमोन होता है मैंडेट जो कि इजीली फेंड हो जाता है फ्रॉग स्टॉर्म से, लेकिन वो जल्द जाते फ्रॉग स्टॉर्म को पॉइजन करके जाता है। मैं स्विच करके हमारे फ्रॉग स्टॉर्म को पीछे पे यूज करता हूँ और उसके हावलॉक को मैं फेंड कर देता हूँ। बाद में आता है उसका लास्ट पोकेमोन मेडिमास जो कि ईजिली हमारे फ्रॉग स्टॉर्म से फेंड हो जाता है। और यहाँ पे हम लोग जीत जाते हैं हमारा सेकेंड जिम बैच ब्रोली से जो कि होता है नकल बैच, और साथ ही साथ हमें TM08 भी मिल जाता है। फिर हम लोग आ जाते हैं ओल्ड मैन के यहाँ पे और उनसे लिफ्ट मांगते स्लेट पोर्ट के यहाँ तक। फिर हम लोग सी व्यू को एंजॉय करते करते फाइनली पहुंच जाते हैं स्लेट पोर्ट तक। बीच पे कुछ ट्रेनर से बैटल करने के बाद हमारा गेस्ट को लिफ्ट इवॉल्व हो जाता है हाउ कॉल में। फिर मैं आ जाता हूँ इस म्यूजियम के बाहर और निकल जाता हूँ इस मेंशन के अंदर। तो यहाँ पे मैं इस आदमी से बात करता हूँ और यहाँ से निकलने के बाद मैं जब तक म्यूजियम तक पहुँचता हूँ तो सारे टीम एक्वा के बंदे अंदर ही होते हैं। तो मैं आके इस प्रोफेसर से बात करता हूँ तो कुछ टीम एक्वा के बंदे हमें घेर लेते हैं, तो पोकेमोन बैटल के लिए मुझे चैलेंज भी करते। तो सबसे पहले मैं यूज करता हूँ अपना फ्रॉग स्टॉप जो कि काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है, इनके पोकेमोन को इजीली फेंड भी कर देता है। बाद में आता है इनका बॉस और मुझे कुछ तो यहाँ से बातें करके निकल जाता। फिर मैं डेवन स्कूट को इन प्रोफेसर को हैंड ओवर करता हूँ और बाहर निकल ही रहा होता हूँ कि मुझे एक स्काउट नाम का बंदा मिल जाता है जो कि उसका पोकी नैब मुझे दे के निकल जाता। फिर मैं आगे बढ़ ही रहा होता हूँ कि प्रोफेसर बर्च आ जाते और मुझे अपना पोकी नैब देते है और साथ ही साथ मुझे मैं के बारे में भी पूछते। फिर प्रोफेसर जी यहाँ से निकल जाते। फिर हमें मैं मिल जाती है और मैं फिर से हमें बैटल के लिए चैलेंज करती है और इस बार वो यूज करते टेलर भी जो कि फ्रॉग स्टॉर्म से फेंड होता है। बाद में आता है उसका ग्रोटेक्स जिसे कि हमारा होम कॉल इजीली फेंड करता है। बाद में उसका लास्ट पोकेमोन होता है होम कॉल जिसे कि हमारा फ्रॉग स्टॉर्म इजीली फेंड करता है और ये वाले बैटल भी हम लोग इजीली वॉन कर लेते। फिर मैं पहुंचता हूँ मावाल सिटी में और मिलता हूँ इस प्रोफेसर से जो कि मुझे HM06 देता है जो कि होता है रॉक स्नैश। फिर मैं आ जाता हूँ मावाल सिटी के बाइक शॉप पे जाके हमें रिडल नाम का बंदा मिलता है जिसे कि हमने काफी बार हेल्प की थी। इस बार वो हमें एक्रो बाइक दे देता है और एक्रो बाइक की टेस्टिंग के लिए हम लोग बाहर आ जाते हैं वो कैसे चलती है देखते हैं। एक्रो बाइक काफी टाइम एक्रो बाइक के साथ मस्ती करने के बाद मैं आ जाता हूँ जिम के यहाँ पे। यहाँ पे मुझे वॉली मिलता है जो कि हमें बैटल के लिए चैलेंज करता है लेकिन हम इजीली वॉन करते हैं। उसके बाद वॉली और उसके अंकल यहाँ से चले जाते हैं। बाद में स्काउट आता है जो कि कुछ बातें करता है और वो भी यहाँ से निकल लेता है। कुछ ट्रेनर बैटल्स करने के बाद हमारा लॉर्ड पोकेमोन बडोफ इवॉल्व हो जाता है और वो बन जाता है वाइट गर्ल में जो कि काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं मैवॉल सिटी के जिम में जिम ट्रेनर वॉस्टन को जिम बैटल के लिए चैलेंज करने। सबसे पहले वो यूज करते मर्जिल जो कि इजीली फेंड हो जाता है फ्रॉग स्टॉर्म से लेकिन वो हमारे फ्रॉग स्टॉर्म को पैरालिसिस करता है। बाद में हमारा क्विक ग्रिल आराम से फेंड करता है इसके प्लस्टर को और ड्रैम पाउंड को। हमारा लॉर्ड पोकेमोन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है लेकिन मैं यूज करता हूँ होंग कॉल को और होंग कॉल भी हमारा पैरालाइज हो जाता है। बाद में यूज करता हूँ बेरी को जिससे कि हमारा फ्रॉग स्टॉर्म हील हो जाता है। और उसके बाद हम लोग यूज करते हैं अटैक एम्बर लेकिन हमारा होंग कॉल फेंड हो जाता है। बाद में यूज करते हैं फ्रॉग स्टॉर्म और ये वाली बैटल हम लोग जीत जाते हैं। और यहाँ पे मिल जाता है हमें हमारा डायनामो बैच फ्रॉम वॉटसन और साथ ही साथ हमें मिलता है TM34 और वॉटसन सर का ओकेनेव। लोग आगे जा रही होते हैं कि मुझे एक सैंड्यूक्स मिलता है जो कि काफी ज्यादा क्यूट पोकेमोन होता है, तो मैं सोचता हूँ इसे कैच करने का और हमारे टीम में एक और न्यू मेंबर ऐड हो जाता है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं मेटियोर फॉल्स में जहाँ पे की टीम मैग्मा के बंदे कुछ तो कर रहे होते हैं लेकिन अचानक से टीम एक्वा के भी बंदे आ जाते हैं और यहाँ से टीम मैग्मा और टीम एक्वा
दोनों भी यहाँ से निकल जाते हैं। फिर मैं आ जाता हूँ इस वाले माउंटेन पे और यहाँ पे टीम मैग्मा का बॉस होता है जिससे कि मैं बात करता हूँ, लेकिन मुझे बैटल के लिए चैलेंज करता है। जिसका फर्स्ट पोकेमॉन होता है माइट डूम, उसके बाद होता है टेलेबे और उसके बाद उसका फेवरेट पोकेमॉन होता है कैस्टल। हम तीनों को इजिली फेंड करते हैं और ये वाली बैटल जीत जाते हैं और यहाँ से टीम एक्वा और टीम मैग्मा के बंदे गायब हो जाते। फिर हम लोग आ जाते हैं लैवरेज टाउन और चैलेंज करते हैं जिम ट्रेनर फेनरी को। सबसे पहले उसका पोकेमॉन होता है ट्यूमेल जिसे कि हम इजीली फेंड करते हैं, बाद में आता है कैस्टल जिसे भी स्टॉर्म निंजा इजीली फेंड करता है, बाद में आता है डोरेमोन, उसके बाद आता है एक्साहीट जिसे कि इजीली हमारा फ्रॉक स्टॉर्म फेंड करता है और यहाँ पे हम लोग जीत जाते हैं हीट बैच फ्रॉम फेनरी। और साथ ही साथ हमें मिलता है TM50 जो कि होता है ओवर हीट और साथ ही साथ हमें मिलता है फेनरी का पोकेनैप भी। जैसे हम लोग जिम से बाहर आते हैं तो हमें मे मिलती है, मे हमें गोगो गॉगल्स दे देती, फिर कुछ बातें करती है, फिर उसके बाद अपने बाइसिकल पे बैठ के निकल जाती है। उसके बाद फिर मैं कुछ ट्रेनर से बैटल करता हूँ और बैटल के दौरान हमारा फ्रॉग स्टॉर्म इवॉल्व हो जाता है, स्वॉम्प निंजा में आ जाता है बैटल बस सिटी नॉर्मन को जिम बैटल चैलेंज करने के लिए। सबसे पहले वो यूज करता है उसका पोकेमॉन जिसका नाम होता है क्विक ग्रिल, जो कि हमारे स्वॉम्प निंजा को स्लीप कर देता है, लेकिन हमारा स्वॉम्प निंजा उसे फेंड करता है। बाद में आता है उसकी कोच जो कि इजिली फेंड हो जाता है, बाद में आता है उसका फरॉट जो कि हमारे क्वाइग्रल को फेंड करता है, बाद में आता है उसका लिकी कैश जिसे कि हमारा स्वॉम्प निंजा हराने की ट्राई करता है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है तो हम लोग कुछ पैर यूज़ करते हैं। बाद में यूज़ करते हैं होंगकॉल को, होंगकॉल से हम लोग यूज़ करते हैं उसका कर्स मूव और उसके बाद एम्बर एम्बर स्पैम कर रहे होते हैं, लेकिन उसका लिकी कैश हर बार रिकवरी यूज कर रहा था। फिर मल्टीपल एम्बर्स के बाद फाइनली वो फेंड हो जाता है और यहाँ पे हम लोग जीत जाते हैं बैलेंस पैच और हमें मिलता है TM42। उसके बाद ये स्ट्रेंजर मुझे उसके घर लेके जाता है जो कि बताता है वो वाली का डैड है, वो हमें HM03 देता है और यहाँ से हम लोग निकल जाते हैं। कुछ टाइम के बाद ही हमारा होंगकॉल इवॉल्व हो जाता है अपने फाइनल फॉर्म में गैंगोसल में, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है। हमारी जर्नी में हम आगे बढ़ रहे होते हैं कि अचानक से स्टेविन आ जाता है, स्टेविन कुछ टाइम तक हमारे साथ बातें करता है और फिर यहाँ से निकल जाता है। फिर हम लोग पहुंचते वेदर इंस्टीट्यूट के यहाँ पे, तो यहाँ पे देखता हूँ टीम एक्वा ने यहाँ पे कब्जा कर रखा है, तो यहाँ से मैं निकल जाता हूँ अगले फ्लोर की यार, लेकिन ये टीम एक्वा का बंदा मुझे यार पकड़ लेता है तो मैं इसके सारे पोकेमॉन को हरा के मैं आगे आ जाता हूँ। तो यहाँ पे मैं इनके सारे पपलियों से बैटल कर ही रहा होता हूँ कि मुझे वहाँ पे एक फीमेल टीम एक्वा की मेम्बर दिखती है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है और उसके पास लाइक एंड रॉक के फ्यूजन भी होते हैं जैसे कि लाइक प्रीडो, लेकिन वो हमारे स्वॉर्म निंजा के आगे टिक नहीं पाते, लेकिन यहाँ से वो लोग भाग जाते हैं। फिर ये प्रोफेसर हमें कैश फॉर्म दे देता है। फिर हम लोग आगे सिटी की ओर जा रहे होते हैं, लेकिन पीछे से मैं हमें बैटल के लिए चैलेंज करती है, तो सबसे पहले वो होंगकॉल यूज करते जैसे स्वॉर्म निंजा इजिली फेंड करता है, बाद में इसके स्टार्टर को गैंगोसिल और बाद वाले पोकेमॉन को भी गैंगोसिल फेंड करता है। फिर बाद में यहाँ पे स्काउट आता है जो कि कुछ बातें बता के चला जाता है हमेशा। फिर हम लोग ये ब्रिज क्रॉस कर ही रहे होते हैं कि लेकिन स्टेवन मिल जाता है। स्टेवन यहाँ पे हमें कॉमेलियन पोकेमॉन से बैटल कराता है और उसके बाद हमें यहाँ पे D1 स्कोप दे देता है जिससे कि हम कॉमेलियन पोकेमॉन को देख सके। फिर मैं आता हूँ फोर्ट्रेस सिटी के जिम के बाहर और यूज करता हूँ डिवोन क्लासेस और यहाँ से वो कैमेलियन को भगा देता हूँ। फिर हम चैलेंज करते हैं वेनानो को जिसका फर्स्ट पोकेमॉन होता है पोनीडे जिसे कि हमारा गैंगोसिल फेंड करता है, बाद में इसका सेकंड पोकेमॉन आता है मेरेलोटो जो की काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है जिसे हमारा स्वॉर्म निंजा फेंड करता है, बाद में आता है उसका लैपल जो की काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है लेकिन निंजा इजीली फेंड करता है, बाद में आता है इसका एजोजोट जो की काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और हमारे स्वॉर्म निंजा को फेंड करता है, तो इसी कारण मैं उसे रिवाइव करता हूँ स्विच करने के बाद और इस बार यूज करता हूँ हाइपर पोशन और इसे हम इजिली फेंड करते हैं, बाद में आता है उसका अनफिलेक्स जिसे भी हम इजिली फेंड करते हैं। और यहाँ पे अपने लोग जीत चुके हैं हमारा फेदर बैच और साथ ही साथ हमें मिला TM40। फिर मैं जा रहा होता हूँ लिली केव सिटी के यहाँ पे, लेकिन ये टीम एक्वा के बंदे यहाँ पे कुछ कर रहे थे और मुझे देखते ही यहाँ से भाग जाते हैं। फिर मैं कुछ ट्रेनर से बैटल कर ही रहा था कि हमारा सैंडयुक्स इवॉल्व हो जाता है अपने सेकंड स्टेज पे सैंडिक्सियोर में जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है। जैसे ही मैं लिलिक्यू सिटी पहुंचता हूँ तो मुझे मे मिलती है और मे हमें फिर से पोकेमॉन बैटल के लिए चैलेंज करती है। इस बार इसके पास होता है लेवल 10 जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है लेकिन हमारे स्वॉर्म निंजा से फेंड करता है। उसका आता है डेसिटाइल जिसे कि हमारा गैंगोसिल फेंड करता है, बाद में असर उसका होंगकॉल जिसे भी हमारा स्वॉर्म निंजा फेंड करता है, बाद में आता है इसका स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन एजोजोट जिसे कि हमारा लॉर्ड क्विग्रिल फेंड करता है और हमेशा की तरह ये वाले बैटल भी हम जीत जाते हैं। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं एम्प्टी प्रे में जहाँ के टीम एक्वा ने हर जगह कब्जा कर रखा होता है। मैं इन लोगों से बैटल करता हूँ और बैटल करने के बाद मैं उनके बॉस से जाके बात करता हूँ, तो ये कुछ रेड ऑर्ब और ब्लू ऑर्ब के बारे में हमसे बात करता है और कुछ तो यहाँ पे हुआ है।
और उसके बाद में दादाजी से बात करता हूँ जो कि हमें होएन की ओल्ड स्टोरी बताते हैं। फिर हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं। हम लोग जा रहे होते हैं लेकिन मुझे यहाँ पे डेकाबू पोकेमोन मिल जाता है जो कि काफी ज्यादा कूल दिखता है, तो इसलिए मैं कैच कर लेता हूँ। और एक और न्यू टीम मेंबर हमारे टीम में ऐड हो जाता है। हमें इस माउंटेन से लिली केव सिटी तक जाना था तो मैंने सोचा क्यों ना फ्लाई करके जाया जाए, तो मैंने अपने लॉर्ड पोकेमोन को फ्लाई मूव सिखा दिया। पता नहीं कैसे इसे फ्लाई आ रहा था इसलिए मैंने इसको फ्लाई सिखा दिया और इस पे हम लोग फ्लाई करके पहुंच जाते हैं लिली केव सिटी में। उसके बाद हम लोग इस वाले वोल्केनो माउंटेन के यहाँ आ जाते हैं और यहाँ पे एक टनल खुल जाता है जिससे कि मैं अंदर आ जाता हूँ। लेकिन यहाँ पे बड़े बड़े रॉक्स होते हैं जिसे कि हम स्ट्रेंथ से मदद से ही सरका सकते हैं, तो इसलिए मैं स्ट्रेंथ मूव हमारे लॉर्ड पोकेमोन को सिखा देता हूँ और यहाँ पे स्ट्रेंथ करके निकल जाता हूँ। जैसे हम केव के और अंदर आते हैं तो हमें दिखते है टीम मेगामा का बॉस कुछ तो यहाँ पे कर रहा होता है ब्लू ऑर्ब को लेके, और सामने होता है ग्राउडन पोकेमोन। अचानक से ग्राउडन पोकेमोन को कुछ हो जाता है और वो यहाँ से निकल जाता है। फिर यहाँ पे टीम मैग्मा का बॉस हमें चैलेंज करता है, उसके हम सारे पोकेमोन को इजीली सोमलिन जैसे फेंड करते हैं और उसके बाद वो यहाँ से भाग जाता है। फिर हम लोग टीम मैग्मा के हेडक्वार्टर से बाहर आते हैं और हमारे लॉर्ड पोकेमोन पे फ्लाई करके सेटल पोर्ट सिटी में पहुंच जाते हैं। और फिर यहाँ से हम लोग अपने पोकेमोन्स को हील करते हैं, फिर यहाँ से चलते ऊपर के एरिया की ओर, तो देख तो यहाँ पे कुछ तो हो रखा होता है, तो मैं प्रोफेसर से बात करता हूँ। उसके बाद मैं इसके अंदर चले जाता हूँ और जैसे ही मैं यहाँ पे अंदर आ जाता हूँ, अंदर आते मैं देखता हूँ टीम एक्वा के बंदे यहाँ पे कुछ तो कर रहे होते हैं और अपने सबमरीन में बैठ के यहाँ से भाग जाते हैं। फिर हम आ जाते हैं लिली केव सिटी में और घुस जाते हैं टीम एक्वा के हेडक्वार्टर्स के अंदर। कुछ टीम एक्वा के बंदों को हराने के बाद हमारा टीम का भी इवॉल्व होता है अपने सेकेंड स्टेज में यानी कि ज्वाइकाबू में। ये काफी ज्यादा कूल और स्ट्रॉन्ग पोकेमोन है। जैसे ही मैं इस एरिया में आता हूँ तो ये बंदा कुछ तो यहाँ पे कर रहा होता है, उसके बाद ये मुझे बैटल के लिए चैलेंज करता है। तो इसके पास काफी कूल पोकेमोन होते हैं लाइक एन पीडो और ज्वाबज जिसे कि हम इजीली स्वामनी जैसे फेंड करते हैं। बाद में यहाँ से वो सबमरीन चली जाती है, फिर यहाँ से मैं भी निकल जाता। फिर हम लोग आ जाते हैं मोस्टिव सिटी में चैलेंज करने टेट और लीजा को जिम बैटल के लिए। तो सबसे पहले वो पोकेमोन यूज करते हैं हेक्स फाइल और लूनासर जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते तो इजीली हमारे सॉम निंजा से फेंड हो जाते हैं। बाद में वो यूज करते हैं सोल क्रॉस और चैंडी क्रॉस जो कि इजीली फेंड हो जाते हैं हमारे पोकेमोन से, और यहाँ पे हमें मिल जाता है माइंड ब्रैच और साथ साथ TM04B। फिर हम लोग निकल जाते हैं इस वाली जिम से बाहर, और जैसे मैं बाहर आता हूँ तो मुझे यहाँ पे कुछ टीम मैग्मा के बंदे दिखते हैं जो कि मुझे देख के यहाँ से भाग जाते हैं। तो वापस से मैं आता हूँ और मुझे यहाँ पे स्कॉट मिलता है जो कि मुझसे कुछ बातें करता हूँ और यहाँ से निकल जाता। फिर उसके बाद मैं यहाँ से ऊपर वाले मेंशन की ओर जाता हूँ। फिर हम लोग इस वाले मेंशन के फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं और यहाँ पे टीम मैग्मा के कुछ बंदों को हराने के बाद हम लोग यहाँ से आगे स्टीवन की हेल्प करने के लिए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं चेक करता हूँ अपने बैग में पीछे बेरी है कि नहीं, इससे मैं अपने सॉम निंजा को पॉइजन फ्री कर लेता हूँ। उसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पे स्टेवन की हेल्प करने के लिए और चूज करता हूँ मैं अपने 3 पोकेमोन्स। तो इस बार हम लोग इजीली वॉन करते हैं क्योंकि स्वम्प निंजा काफी ज्यादा स्ट्रांग था और साथ ही साथ काफी ज्यादा लेवल का भी, और इसका लैम्पन कुछ ज्यादा कर नहीं रहा था, और इसके साथ हम लोगों ने स्टेवन की हेल्प। हम लोग चले जाते हैं स्टेवन के पीछे उसके घर तक और यहाँ पे हमें स्टेवन दे देता है HM08 जो कि होता है डाइव मूव जिससे कि हम अंडर वाटर सर्व कर पाएंगे। फिर मैं सिखाता हूँ डाइव मूव अपने लॉर्ड पोकेमोन क्वाइग्रेल को जो कि काफी ज्यादा ऑसम होने वाला था। तो हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं और सर्फ करके हम लोग आ जाते हैं अंडर वाटर। अंडर वाटर आते ही मैं यहाँ पे केव ढूंढने लगता हूँ जो कि हमें टीम एक्वा को ढूंढने में मदद करने वाली। हम अंडर वाटर काफी टाइम घूमने के बाद मुझे एक केव मिलती है जिससे कि हम ऊपर आ जाते हैं। फिर हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं क्यों मैं थोड़ा और अंदर आने के बाद मुझे कायोगर मिलता है। उसके बाद टीम एक्वा का बॉस भी आ जाता है और वो मुझे बैटल के लिए चैलेंज भी करता है। तो सबसे पहले वो यूज करता है उसका पोकेमोन माइटी डोम जो कि सोमनिंजा इजीली फेंड करता है। बाद में आता है उसका वॉक टूर जिसे भी सोमनिंजा इजीली फेंड करता है। बाद में आता है उसका लाइक एंड पीडो उसे भी फेंड करता है, और यहाँ पे रेड ऑर्फ के साथ कुछ तो हो जाता है गड़बड़ी और यहाँ पे कायोगर हो जाता है गायब। टीम एक्वा का बॉस मुझे कुछ तो बता रहा ही होता है कि अचानक से टीम मैग्मा के बंदे भी आ जाते हैं उसके बॉस के साथ, और उसके बाद हम लोग पानी पे ऊपर आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एनवायरनमेंट काफी ज्यादा खराब हो चुका था, लेकिन हम लोग बात करते हैं स्टेवन से और वो बताता है कि सुटो पुलिस में कुछ तो गड़बड़ी हुई है तो हमें वहां पे जाना पड़ेगा। तो ये कह के स्टेवन चला जाता है।
तो फिर से हम लोग चले जाते हैं अंडर वाटर सुटोपोलिस सिटी तक। तो यहाँ से हम लोग निकल जाते हैं और देखते कि ओडोन और कायोगर की काफ़ी घमासार बैटल हो रही थी। इसके कारण एनवायरनमेंट काफ़ी ज़्यादा चेंज भी हो चुका था। तो यहाँ से मैं निकल पड़ता हूँ ऊपर की ओर और बात करता हूँ स्टेवन से। तो मैं स्टेवन के साथ उसके पीछे पीछे चल पड़ता हूँ और थोड़ी देर चलने के बाद हम लोग इस ओल्ड मैन से बात करके इस केव के अंदर आ जाता हूँ। और यहाँ से मैं नीचे आके एक बंदा होता है जिसका नाम फॉलिस होता है, जिससे कि मैं बात करता हूँ और वो बताता है कि ये सारी तबाही सिर्फ ब्रेकवाजर नाम का पोकेमोन ही रोक सकता है। तो मुझे पूछता है कि वो हमें कहाँ पे मिलेगा, तो मैं इसे स्काई पिलर सजेस्ट करता हूँ। फिर यहाँ से वो निकल जाता है और उसके पीछे पीछे मैं भी निकलता हूँ वॉलिस के पीछे पीछे। हम लोग भी स्काई पिलर तक पहुँच जाते हैं और वॉलिस से बात करने के बाद वॉलिस बताता है कि वो यहाँ से आगे जाएगा, तुम वापिस सिटी में जाओ। वॉलिस के बिना सुने हम स्काई पिलर के टॉप पे आ जाते हैं और यहाँ पे हम लोग रेकवाजा को जगा देते हैं। फिर यहाँ से रेकवाजा फ्लाई करके चला जाता है। तो उसके पीछे पीछे हम लोग हमारे लॉर्ड पे फ्लाई करके जाते हैं सुटोपोलिस सिटी। और जैसे ही हम लोग यहाँ पे पहुँचते तो देखता हूँ कि अभी भी ग्राउडन और कायोगर बैटल कर रहे हैं और अभी का क्लाइमेक्स पहले से काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका था। लेकिन कुछ टाइम के बाद ही स्काई में से रेकवाजा आ जाता है जो कि ग्राउडन और कायोगर के बैटल के बीच में आ जाता है और दोनों को बैटल करने से रोकता है और दोनों पोकेमोन को शांत भी कर देता है और साथ ही साथ दोनों पोकेमोन यहाँ से चले भी जाते हैं। फिर रेकवाजा यहाँ से फ्लाई करके निकल जाता है। उसके बाद होएन रीजन का क्लाइमेट भी क्लियर हो जाता है, बारिश रुक जाती है। फिर मैं बात करता हूँ टीम मैग्मा और टीमैक्वा के लीडर से और वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। बाद में मैं बात करता हूँ वॉलिस से जो हमें देता है HM-06। फिर वो जिम के डोर से साइड हो जाता है। बाद में हम लोग बात करते हैं स्टेवन से और कुछ जाते हैं जिम के अंदर। बाद हम लोग चैलेंज करते हैं सुटोपोलिस के जिम ट्रेनर वॉन को, जिसके पास गैप्टिक होता है जो कि हमारे सामने जैसे फ्रेंड हो जाता है। बाद में उसका सेकंड पोकेमोन आता है किंग एल्ज, जो कि काफी स्ट्रांग होता है। लेकिन हम लोग यूज करते हैं वापस से सॉम्प निंजा और उसे स्क्रंच मूव से फेंड करते हैं। वापस से उसका आता है लिकी कैश। लिकी कैश काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है लेकिन सॉम्प निंजा इजिली उसे फेंड करता है। बाद में उसका आता है सॉम्प निंजा जो कि काफी ज्यादा स्ट्रांग दिख रहा था। लेकिन हम लोग स्विच करते हैं स्वाइकाबू को हमारे स्वाम निंजा के साथ और यूज़ करते हैं स्क्रंच अटैक। लेकिन इससे भी वो फेंड नहीं होता, वापस से हम लोग यूज़ करते हैं हमारे स्वाम निंजा और उससे उसे फेंड करते हैं। बाद में आता है उसका किंग इज़ार, चूँकि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तो हम लोग वापस से रिवाइव यूज़ करके हमारे किंगार को यूज़ करते हैं और यूज़ करते हैं हिप्नोसिस और कर्ज से वो मर जाता है और यहाँ पर हम लोग रेन बैज जीत जाते हैं। और फाइनली अब हमारे पास 8 बैजेस है तो हम लोग पोकेमोन लीग में इजिली पार्टिसिपेट कर पाएंगे। हम लोग विक्ट्री रोड की ओर जा रहे होते कि मुझे स्टार्मी और पोकेमोन मिलता है जिसे हम लोग कैच करते हैं और उसके बाद हम लोग उसे सिखाते हैं वाटरफॉल मूव, जिससे कि हम लोग विक्ट्री रोड तक पहुंच पाए। फिर हम लोग इस वाटरफॉल के यहाँ पे आ जाते हैं और हमारे स्टार्मी और पोकेमोन को यूज करके इस वाटरफॉल को हम लोग पार कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे और अपने पोकेमोन को हील करते हैं। फिर हम लोग कुछ ट्रेनर से बैटल करते हैं विक्ट्री केव के यहाँ पे और हमारा सैंड एक्सियोर इवॉल्व हो जाता है एक्सलैश में, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमोन होता है। फिर हम लोग विक्ट्री रोड से जा रहे होते हैं कि पीछे से आके वॉली हमें पोकेमोन बैटल के लिए चैलेंज करता है। सबसे पहले वो यूज करता है कैरनियर जो कि इजीली फेंड होता है, उसके बाद रोजेवाइल कैल्वरेन और बाद में आता है उसका फरॉड जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, हमारे गैंगोस्टर से फेंड नहीं हो पाता, इसलिए मैं यूज करता हूँ हमारा स्वाइकाबू जो कि इसे फेंड करता है। फिर उसके बाद उसका आता है दिलिजकैन जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो मैं यूज करता हूँ अपने सॉम निंजा को जो कि इजीली से फेंड करता है और ये वाली बैटल भी हम लोग इजीली जीत जाते हैं। मुझे एक पोकेमोन मिलता है हेलीशार्प नाम का जो कि काफी ज्यादा कूल होता है, तो मैं इसे कैच कर लेता हूँ और हमारे टीम में एक और न्यू मेंबर ऐड हो जाता है। कुछ टाइम के बाद हमारा स्वाइकाबू इवॉल्व होता है अपने फाइनल स्टेज पे यानी कि क्वाड ड्रैगन जो कि काफी ऑसम और स्ट्रॉन्ग से पोकेमोन है। फिर हम लोग पहुंच जाते हैं पोकेमोन लीग में, तो सबसे पहले हम लोग अपने पोकेमोन्स को हील कर लेते हैं। हील करने के बाद मैं पीसी में जाके हमारे स्टार्मर पोकेमोन को डिपॉजिट कर लेता हूँ और उसके बाद हम लोग जाने वाले हमारे फाइनल टीम मेंबर को ऐड करने। हम लोग आ जाते हैं स्काई पिलर में हमारे फाइनल पोकेमोन को टीम में ऐड करने के लिए, जो कि होता है सुपर स्ट्रॉन्ग लेजेंडरी पोकेमोन रेटिना। तो हम लोग फटाफट से यूज करते हैं इसमें मास्टर बॉल
और हमारे पास अब सुपर स्ट्रॉन्ग पोकेमोन ऐड हो जाता है हमारी टीम में। तो इसी के साथ हमारी टीम भी कंप्लीट हो जाती है और यहाँ से हम लोग रेटिना पे फ्लाई करके निकल जाते हैं पोकेमोन लीग की ओर। तो हम लोग रेटिना पे आराम से बैठ के पहुंच जाते हैं पोकेमोन लीग में और यहाँ पे हम लोग अब हमारे पोकेमोन टीम को अरेंज करेंगे। तो हम चलते हैं पीसी की ओर। तो सबसे पहले मैं चूज करूंगा हेलीशार्प को हमारी टीम में और लॉर्ड को रख दूंगा पीसी में। काफी टाइम पोकेमोन को ट्रेन करने के बाद ये रही हमारी टीम रेडी। तो हम लोग फटाफट से सोमनेजो को स्विच करते और निकलते हमारे फर्स्ट एलीट 4 के मेंबर को चैलेंज करने के लिए। तो हम लोग अंदर जाने से पहले मैंने काफी ज्यादा रिवाइव्स और फुल रिस्टोर ले लिए। तो हमारा फर्स्ट चैलेंजर है सिडनी जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हमारे पास है हमारे सॉम निंजा और इससे हमने इसका फर्स्ट पोकेमोन फेंड कर दिया। बाद में आता है उसका स्क्रेविलैंड जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो मैं गैंगोसोल को स्विच करता हूँ और यूज करता हूँ। बाद में आता है उसका स्वेबर्ज, इसके लिए मैं स्विच करता हूँ सॉम निंजा को और सब में इसको फेंड करता हूँ। बाद में आता है उसका लुका आर्क जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, मैं यूज करता रेकवाजा और यूज करता फ्लाई मूव। लास्ट में आता है उसका ड्रैगन पीडो जिसे भी रेकवाजा फेंड कर देता है। और यहाँ पे हम लोग अपना फर्स्ट एलीट 4 बैटल जीत चुके हैं। फिर हम लोग बढ़ते हमारे नेक्स्ट चैलेंजर की ओर जो की होती है फेबी, जिसके पास काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमोन होता है गोस्ट टाइप। तो सबसे पहले वो यूज करते हैं कार्डिटूम जिसे कि सोमनेजा फेंड करता है। बाद में आता है उसका करग्रोथ, बाद में आता है उनका कोफर चैम जिसे भी सोमनेजा फेंड करता है। बाद में आता है उसका ट्रेगा सिटी जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमोन होता है जो हमारे एक से दो पोकेमोन्स को इजीली फेंड करता है। बाद में हमें यूज करना पड़ता है हमारा गुड ड्रैगन जो कि इसे फेंड करता है। लास्ट में आता है उसका रिफ्लॉर्ड जिसे भी हम फेंड करके पॉन हो जाते हैं हमारा सेकेंड एलीट 4 बैटल। तो उसके बाद हम लोग आ जाते हैं थर्ड एलीट 4 बैटल करने के लिए। तो हम लोग स्विच करते हैं गैंगोसोल को फर्स्ट क्योंकि ये वाला आइस टाइप बैटल होने वाला था। तो फर्स्ट यूज करती वो ओरा क्वीन जिसे कि हम लोग ओवर हीट यूज करके फेंड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये फेंड नहीं होता। तो मैं यूज करता हूँ अपना हिप्नोसिस मूव, लेकिन वो ऑलरेडी बर्न था तो मैं स्विच करता हूँ सोम निंजा को और मर्ज शॉट से हरा देता हूँ। बाद में आता है उसका बेयर गोरो जिसे कि सोम निंजा सर्व से फेंड करता है। बाद में आता है उसका हैक्सलैच जिसे भी सर्व से हम फेंड करते हैं। उसके बाद आता है उसका वर्कडोर जिसको भी हम सर्व से फेंड करते हैं। और लास्ट होता है उसका एम्बॉम 9 जिसे भी हम सर्व से फेंड करते हैं। और यहाँ पे हम लोग अपना थर्ड एलीट बैटल जीत जाते हैं। उसके बाद हम लोग जाते हैं हमारे फोर्थ रूम की ओर जहाँ पर होएन रीजन का ड्रैगन मास्टर ड्रेक होता है। ड्रेक के पास होएन रीजन के सबसे स्ट्रॉन्ग ड्रैगन पोकेमोन होते हैं। सबसे पहले वो यूज करता है उसका टायरेन किंग जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, 1 हिट में मेरे गैंगोसोल को फेंड करता है। बाद में हमारे सॉन्ग निंजा इसे सर्व से फेंड करने की कोशिश करता है, लेकिन ये स्विच करता है उसके इसका नाइट के साथ। तो हम लोग वापस से स्विच करते हैं हमारा रेटिना और यूज करते हैं आउटरेज, और आउटरेज से इसे फेंड करने के बाद आता है उसका गोट्रेगॉन, और बाद में आता है टायरेन किंग, उसके बाद आता है उसका लेबल, और बाद में उसका फाइनल पोकेमोन आता है ड्रैम्पाउन जिसे कि इजीली हमारा रेटिना फेंड कर देता है। और यहाँ पे हम लोग जीत जाते हैं एलीट 4 की फाइनल बैटल भी। और इसके बाद हम लोग चैलेंज करने जाते हैं होएन रीजन की पोकेमोन चैंपियन को। जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते तो हमें दिखता है वॉलिस जो कि होएन रीजन का ऑफिशियली पोकेमोन चैंपियन होता है। तो ये वाली बैटल काफी ज्यादा हार्ड होने वाली है क्योंकि ये वाली चैंपियन के साथ होने वाली है। सबसे पहले यूज करता है किंगिजार, तो हम लोग इसे हिप्नोसिस करते हैं और यूज करते हैं कर्स मूव और स्विच करते हैं हमारे सोम निंजा के साथ। सोम निंजा से हम लोग इसे फेंड करने की कोशिश करते हैं और फाइनली फेंड हो जाता है। बाद में आता है उसका टी सेरिट पैक्स जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और हमारे सोम निंजा को फेंड करता है। बाद में हम यूज करते हैं रेटिना और स्पैम करते हैं आउटरेज, आउटरेज से हम लोग इसके पोकेमोन को इजीली फेंड करते हैं। बाद में आता है उसका लकी क्लैश जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए मैं यूज करता हूँ फुल रिस्टोर और फेंड करता हूँ इससे भी। बाद में आता है उसका बेस्ट कुक किंगो जिसको भी हमारा रेटिना इजीली आउटरेज में फिनिश आउट कर लेता है। इसके साथ हमने वॉलिस के सारे पोकेमोन को फेंड कर दिया और हम लोग बन चुके होएन के ऑफिशियल चैंपियन। और इसी के साथ वापस मैं आ जाती है और मैं हमें कांग्रेस करती है, और उसके बाद आते प्रोफेसर बर्च भी जो कि हमें कांग्रेस करता है क्योंकि अब हम लोग बन चुके हैं ऑफिशियली होएन लीग के पोकेमोन चैंपियन। फिर हम लोग पोलिस के साथ इस रूम के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर की पोकेमोन चैंपियंस की और उनके पोकेमोन की फ्रेम लगाई जाती है। तो यहाँ पे मैं अपने फटाफट से सारे पोकेबॉल्स को रख देता हूँ और यहाँ पे अब हमारी टीम शो होने वाली है। तो सबसे पहले हमारा सुपर स्ट्रॉन्ग पोकेमोन गैंगोसेल, और उसके बाद हमारा स्टार्टर सोम निंजा और हेलीशार्प,
हैक्सलैश और हमारा गुड ड्रैगन और हमारा फाइनल लेजेंडरी पोकेमोन रेटिना और इसी के साथ हमारा हॉल फ्रेम में फोटो लग चुका है। अब हमें होइन रीजन के सीक्रेट चैंपियन को भी तो डिफीट करना है, तो हम लोग आ जाते हैं मीटियोर फॉल जहाँ पे होता है स्टेवन। स्टेवन ही होता है होइन रीजन का सीक्रेट पोकेमोन चैंपियन, तो इसे हम लोग पोकेमोन बैटल के लिए चैलेंज करते हैं। तो सबसे पहले वो यूज करता है रैपिकेनाइट को जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमोन होता है, इसलिए मैं स्विच करता हूँ सॉफ्ट निंजा को और यूज करता हूँ सॉफ्ट मूव। 2 से 3 सॉफ्ट में इसका पोकेमोन को मैं फेंड करता हूँ। बाद में यूज करता है गेंगोसल को और यूज करता है ओवर हीट। तो बाद में वो यूज करता है रिलीमाइस को, तो मैं स्विच करता हूँ हेक्सलैश को और यूज करता हूँ मैं आउटरेज, लेकिन हमारा हेक्सलैश फेंड हो जाता है। बाद में यूज करता हूँ मैं रेटिना को और आउटरेज में से फेंड करता हूँ। बाद में आता है इसका रेटिना और हमारा रेटिना को इजीली फेंड करता है, और गेंगोसल को भी यूज करता हूँ स्टारमोर और यूज करता हूँ रिवाइव, जिससे कि मैं रिवाइव कर सकूँ हमारे रेटिना को। बाद में यूज स्विच करता हूँ मैं सोमनिंजा के साथ और रिवाइव करता हूँ गेंगोसल को। फिर बाद में मैं यूज करता हूँ फुल रिस्टोर अपने सोमनिंजा पे और वापस से मैं यूज करता हूँ सर्फ, और जैसे उसका रेटिना बर्न हो रहा होता है वापस से यूज करता है रिकवर, तो मैं वापस से यूज करता हूँ फुल रिस्टोर को अपने सोमनिंजा पे। फिर बाद में यूज करता हूँ स्क्रंच और उसके रेटिना को हमारा सोमनिंजा फेंड कर देता है। बाद में उसका पोकेमोन आता है हेलीशार्प, तो मैं यूज करता हूँ गेंगोसल और यूज करता हूँ ओवरहीट मूव, और 2 ओवरहीट में इसका हेलीशार्प फेंड हो जाता है। बाद में यूज करता है कार्डिटॉम, तो मैं भी यूज करता हूँ रेटिना और स्पैम करता हूँ आउटरेज, लेकिन इसके पोकेमोन का क्रिटिकल हिट लगने के कारण हमारा रेटिना फेंड हो जाता है। फिर बाद में मैं यूज करता हूँ फुल रिस्टोर अपने सोमनिंजा पे और स्क्रंच से इसकी हाफ से भी ज्यादा एचपी में कम करता हूँ। फिर बाद में रिवाइव यूज करता हूँ, रिवाइव करता हूँ रेटिना को और यूज करता हूँ इस पर फ्लाइव और वापस यूज करता हूँ आउटरेज। इसका लास्ट पोकेमोन आता है आर्मर टॉप्स, जिसको हम इजिली आउटरेज में फेंड करते हैं, और यहाँ पे हम लोगों ने होइन रीजन के सीक्रेट चैंपियन को भी डिफीट कर दिया है, और इसी के साथ हम लोग बन चुके हैं होइन रीजन के रियल चैंपियन। तो यहाँ पे हमारा चैलेंज खत्म होता है। आई होप तुम लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक, अगर आपको इसी तरह के कंटेंट पसंद है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब, और मिलते हैं एक और ब्रांड न्यू चैलेंजिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय।